हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल कवर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ BLI 223, क्योंकि जब हम BLI 223 कोर्स अपना स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ टर्म्स समझ नहीं आते। आज हम कोशिश करेंगे कि उन टर्म्स को आपको इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जो टाइप आता है इसमें बुक क्लासिफिकेशन। देखिए नाम से पता चल रहा है अपने आप, बुक क्लासिफिकेशन। किताबों को क्लासिफाई किया जाता है कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, और क्लासिफाई करने के बाद उन्हें अरेंज कर दिया जाता है शेल्फ्स में। तो ये बस इतना ही सिंपल है बुक क्लासिफिकेशन। इसका एग्जांपल आप DDC दे सकते हैं। ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन वाज रिलेटेड टू बुक क्लासिफिकेशन। तो DDC हमारा बुक क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में आता है। दूसरा, जब आप बुक्स को क्लासिफाई नहीं कर रहे, आप उनको नहीं अरेंज कर रहे हो ना शेल्फ्स में, आप सिर्फ उनकी लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हो, कैटलॉग प्रिपेयर कर रहे हो या बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो भी एक क्लासिफिकेशन होता है और उसको हम बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे UDC, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, इट वॉज बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, उसमें सिर्फ लिस्ट प्रिपेयरिंग से जुड़ा हुआ काम होता था। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन आता है, इट इज़ ब्रॉड क्लासिफिकेशन। नाम ब्रॉड है बट काम थोड़ा उल्टा है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, जो टू डिटेल, मतलब काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती, और ये जनरली छोटी लाइब्रेरीज़ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे DDC के पुराने एडिशन, वो सारे के सारे ब्रॉड क्लासिफिकेशन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी क्लासिफिकेशन की, स्पेशल क्लासिफिकेशन। तो स्पेशल किससे जुड़ा होगा, स्पेशल एरिया ऑफ नॉलेज, पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज, स्पेशल रीजन, यानी कि छोटे रीजन से रिलेटेड नॉलेज होती है। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स हो गया, लेदर इंडस्ट्री हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे के सारे हमारे स्पेशल क्लासिफिकेशन के अंदर आएंगे। तो चलिए अब अपने टर्म्स स्टार्ट करते हैं जिनका मीनिंग हमें आज क्लियर करना है। तो फर्स्ट टर्म है आइसोलेट। आइसोलेट का मीनिंग क्या होता है, अकेले रह जाना, अकेले कर देना किसी को। तो आइसोलेट का मतलब होता है जिस यूनिट को, जिस एंटिटी को आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, वो अल्टीमेट डिविजन है, वो अकेला ही रहने वाला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेट। ये इतना आइसोलेट होता है कि अपने आप में एक सब्जेक्ट भी फॉर्म नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बच्चा, है ना, चाइल्ड, चाइल्ड से रिलेटेड तो कोई सब्जेक्ट नहीं होता, चाइल्ड अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो वो एक आइसोलेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपने बोला राइस, राइस ना तो कोई अपने आप में सब्जेक्ट है और ना ही आप उसे फर्दर डिवाइड कर सकते हो, तो वो एक आइसोलेट कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट है, जब हम बहुत सारे आइसोलेट को मिला दें तो क्या बनेगा, फेसेट बनेगा। जैसे मैंने बहुत सारे आइसोलेट क्या मिलाए, मैंने वीट बोला, राइस बोला, मेज बोला, मैंने इन आइसोलेट्स को मिला दिया, तो आप कहेंगे सीरियल बन गए, है ना, अनाज बन गए, तो वो क्या बना, एक फेसेट बन गया। तो फेसेट होते हैं जनरल फीचर जो आइसोलेट्स को मिला करके बनते हैं, और उनके सिमिलर फीचर भी होने चाहिए। अब आइसोलेट को मिला के फेसेट बना, फेसेट को मिला के क्या बनता है, अगर आप फेसेट्स को कलेक्टिफाई कर दो, टोटलिटी उनकी कर दो, तो उनसे फॉर्म होती है कैटेगरी। तो कैटेगरी क्या है, जनरलाइज्ड डिवीजन ऑफ नॉलेज, जनरल डिवीजन जो आम आदमी भी कर सकता है, वो क्या कहलाती है, कैटेगरी। कैटेगरी को डिवाइड करोगे तो फेसेट बनेगा, फेसेट को डिवाइड करोगे आइसोलेट बनेगा, आइसोलेट को डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं बनेगा। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए आप बोल सकते हैं ना कि एक एटम होता है, एटम के बाहर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, और एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो उसी टाइप से ये सारा का सारा है। अब बात करते हैं कि आइसोलेट्स के जो अरेंजमेंट हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। देखिए आइसोलेट्स को आप दो तरीके से अरेंज कर सकते हो, एक एरे के फॉर्म में, दूसरा चेन के फॉर्म में। एरे क्या होता है, ये सेट ऑफ क्लासेस अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर, और स्पेशली ध्यान क्या रखना, इक्वली रैंक्ड। फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं, मैंने 40 बच्चों को अरेंज किया उनके नेम के अकॉर्डिंग, और नेम कैसे लगाया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। रैंक यहाँ पर सेम है, सारे एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो इसको आप बोलेंगे एरे, एरे ऑफ आइसोलेट्स, ठीक है। और दूसरा होता है जब आप अनइक्वली रैंक्ड चीज़ों को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसे हम कहेंगे चेन। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल मान लीजिए लिया वर्ल्ड, वर्ल्ड में मैंने दूसरा एग्जांपल लिया नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में मैंने एग्जांपल लिया यूएसए, यूएसए में मैंने एग्जांपल लिया वॉशिंगटन DC,
तो आप बताइए ये इक्वली रैंक्ड है या अनइक्वली रैंक्ड है? आप कहेंगे अनइक्वली, आपने तो पूरा पहले वर्ल्ड लिया, वर्ल्ड में से एक कॉन्टिनेंट लिया, कॉन्टिनेंट में से एक कंट्री ली, कंट्री में से एक सिटी ली, तो ये सारा अनइक्वली रैंक्ड है, तो आप इसे चेन कहेंगे, चेन ऑफ आइसोलेट, चेन ऑफ क्लासेस विच इज अनइक्वली रैंक्ड, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में और ऊपर से लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपने घर का, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के बेटे आपके फादर, फादर के बेटे आप खुद, और आपके बेटे जो भी एक्स वाई जेड, तो ये कैसा क्लासिफिकेशन हुआ, चेन, चेन आपने फॉर्म कर दी क्योंकि आप दोबारा अनइक्वल रैंक की बात कर रहे हैं। अब इसे एरे से भी चलिए कनेक्ट करते हैं। एरे से कैसे कनेक्ट करेंगे, रोल नंबर वाइज आपको बता दिया, नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको बता दिया, हमने पांचों कॉन्टिनेंट्स का ग्रुप लिया तो वो भी क्या कहलाएगा, एरे, क्योंकि उन सबके अंदर क्या है, स्पेशल फीचर है, सेम चीज़ ही तो है कि सारे लैंड मासेज हैं, तो वो कॉन्टिनेंट हो गया, ओशियंस आपने ले लिए। और अगर इसे घर से कनेक्ट करें तो ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए आप, आपके भाई और आपके बहन, तो ये क्या कहलाएंगे, एरे कहलाएंगे, क्योंकि ये इक्वली रैंक्ड हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़